हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नॉलेज में। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आई हुई है। असम राइफल की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। असम राइफल की तरफ से जो है भर्ती निकली हुई, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जो है इस भर्ती में जा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे साथ इसी में बने रहिए, आपको हम सारी इन्फॉर्मेशन बता देंगे। अप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगी, भर्ती में कब जाना है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, जितने भी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मोटिवेट मिलता है, हमारा हौसला बढ़ता है कि हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो बनाए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि इसकी डिटेल्स जान लेते हैं कि बहाली कब से स्टार्ट होगी, कब से इसका फॉर्म भराएगा। इस बहाली में जो दोस्तों पूरे भारत से कहीं से भी, पूरे भारत के इंडिया से किसी भी कोने से जो बंदे अप्लाई कर सकते हैं, इस बहाली में कहीं से भी बंदे जो हैं जा सकते हैं। दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूँ। दोस्तों, बहाली जो है परसों से बहाली स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि 16 तारीख से जो है बहाली जो है स्टार्ट हो जाएगी अप्लाई होने। इस जो रैली की जो रैली जो है स्टार्ट, आपकी भर्ती जो है स्टार्ट 28 जनवरी से जो आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, एप्लीकेशन फ़ी जो है दोस्तों ग्रुप बी के लिए 200 रुपये हैं, SC ST और फीमेल के लिए फ़ी फ्री है उनकी, और ग्रुप सी के लिए आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। टोटल पोस्ट जो है इसमें दोस्तों 749 पोस्टें दी गई हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी वैकेंसी डिटेल्स की बात कर लें दोस्तों, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं। दोस्तों, इसमें जो पोस्ट है वो है क्लर्क की। क्लर्क में अप्लाई करने के लिए आपकी एज जो है 18 से 23 साल होनी चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन जो आपका होना चाहिए वो 10+2 पास होना आपको ज़रूरी है। उसके साथ आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट हिंदी और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद जो लाइनमैन फील्ड के लिए आपकी एज जो है 18 से 23 साल होनी चाहिए। आपके पास आपका 10th क्वालिफाइड होना चाहिए और प्लस में आपका ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना जरूरी है। दोस्तों, तब आप लाइनमैन फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो दोस्तों आर्मोरर में जो दोस्तों उसके लिए आपकी एज 18 से 23 साल होनी चाहिए। आपका 10th पास अगर आप हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, व्हीकल मैकेनिक के लिए दोस्तों आपकी एज जो है 18 से 23 साल होनी जरूरी है। इसके लिए आपको 10th पास होना जरूरी है, और उसके साथ अगर आपने ITI या डिप्लोमा किया है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, चौथा जो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक व्हीकल, इसके लिए आपकी एज जो है 18 से 23 साल होनी जरूरी है। उसके बाद आपका 10th पास होना जरूरी है, प्लस में आपने ITI किया है अगर मोटर मैकेनिक से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इंजीनियर आर्टिफिशर के लिए आपकी एज जो है 18 से 23 साल होनी जरूरी है, और अगर आपने 10th पास हैं और आप ITI ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसमें फॉर्म जो है भर सकते हैं। सर्वर के लिए जो दोस्तों 20 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए, प्लस आपका 10th पास होना जरूरी है। आपने ITI अगर सर्वेयर से किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल, आप इसमें जो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह जो बहुत सारी इसमें जो है दोस्तों सीटें हैं जिसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो दोस्तों आप फिजिकल डिटेल्स की बात करें दोस्तों, तो फिजिकल जो है दोस्तों मेल के लिए जो है दोस्तों 1.70 हाइट होनी जरूरी है, और चेस्ट जो है 80-85 होना जरूरी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए की जो हाइट है वो 1.57 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दोस्तों, और मेल SC ST कैंडिडेट के लिए हाइट जो 1.62 होना जरूरी है, और चेस्ट जो है SC कैंडिडेट के लिए 76-81 सेंटीमीटर होना जरूरी है, और फीमेल ST फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो 1.60 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और हवलदार के लिए जो है दोस्तों, हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए मेल की हाइट 1.65 होना जरूरी है, चेस्ट जो है 77-82 सेंटीमीटर होना जरूरी है। फीमेल के लिए जो दोस्तों हाइट जो है हवलदार के लिए 1.55 सेंटीमीटर होना जरूरी है। मेल ST मेल के लिए जो है दोस्तों 1.62 हाइट होना जरूरी है, चेस्ट जो है 76-81 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दोस्तों इसमें जो है बहुत सारी पोस्टें दी गई हैं, जिसका मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इसकी पूरी अच्छे से इसके बारे में जो पढ़ सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं, और इसकी जो अप्लाई लिंक ऑनलाइन होने की अप्लाई लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, सब बढ़िया से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, आपको किसी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ओके दोस्तों, जय हिंद।